हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। ज्ञान सहित रोचक जानकारी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त अंजू राजपूत और आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आई हूं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कामिका एकादशी के बारे में कि कामिका एकादशी का इतना महत्व क्यों है, आखिर कामिका एकादशी इतना ज्यादा सावन में महत्वपूर्ण क्यों कही जाती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो फ्रेंड्स, सावन महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसको कामिका एकादशी कहते हैं। कामिका एकादशी का अपना विशेष महत्व है क्योंकि कामिका एकादशी व्रत करने से आपके सारे पापों का नाश हो जाता है। अगर आप जाने अनजाने कोई पाप कर देते हैं तो कामिका एकादशी व्रत करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं जानते कि हमने कौन से पाप किए हैं, लेकिन हमसे पाप हो जाते हैं। जैसे झाड़ू पोछा करते समय या कहीं जाते समय चींटी मच्छर कीड़े मकोड़े अगर हमारे पैर के नीचे दब जाते हैं, मर जाते हैं, तो हम पापी हो जाते हैं। तो इसी तरह के पापों का नाश करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। इस व्रत का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये व्रत करने से उपासकों के साथ साथ उनके पितरों के भी सारे कष्ट दूर होते हैं, इसलिए कामिका एकादशी व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम व्रत है। यह व्रत भगवान विष्णु जी के लिए किया जाता है। कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से बहुत ही उत्तम फल मिलता है, इसलिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। सावन के महीने में पड़ने वाली ये कामिका एकादशी में जब आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो उनके साथ साथ गंधर्व नागों की भी पूजा हो जाती है। इसीलिए सावन के महीने की एकादशी का अपना अलग ही महत्व होता है। सावन के महीने में पड़ने वाली एकादशी पे अगर आप साधु महात्माओं को दान पुण्य करेंगे, उनको भोजन कराएंगे, तो आपको एक यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है कि मानो आपने एक यज्ञ कर लिया हो। इसके अलावा अगर आप किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करते हैं, वहां पर दान पुण्य करते हैं, तो इसका फल आपको अश्वमेध यज्ञ के समान मिलता है। अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी पूजा तुलसी पात्र से करें। तुलसी पात्र से भगवान विष्णु की पूजा करने से वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपको मन वांछित फल भी देते हैं। कामिका एकादशी आज यानी कि 15 जुलाई को रात 10:23 से शुरू होकर 16 जुलाई रात 11:47 पर खत्म हो जाएगी। कल के दिन कामिका एकादशी की कथा सुनना, सुनाना, पढ़ना बहुत ही ज्यादा फलदायी है। तो अगर आप व्रत करते हैं तो आप कामिका एकादशी की कथा जरूर कहें और दूसरों को भी सुनाएं। इसे आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। अगर आप भगवान विष्णु जी के लिए कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं या एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप सवेरे उठकर नहा धो के साफ सुथरा हो करके भगवान की पूजा करें। पूजा में आप फूल फल मिठाई अच्छत दूध चावल पंचामृत आदि उनको अर्पित करें। उसके बाद सुगंधित फूल मेहंदी रोली भी आप अर्पित कर सकते हैं। सावन का महीना चल रहा है तो आप मेहंदी भी अर्पित कर सकते हैं जो कि माता लक्ष्मी के लिए होगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको पूरा दिन निर्जल व्रत रखना है, भगवान का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करते रहना है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना काफी उत्तम माना जाता है। दूसरे दिन जब भी आप व्रत खोलें तो सबसे पहले दान पुण्य कर दें, ब्राह्मणों को भोजन करा दें, उसके बाद ही अपना व्रत खोलें। इस तरह से विधि पूर्वक विधि विधान से जो भी कामिका एकादशी व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उसके पापों का नाश होता है, उस व्यक्ति के साथ साथ उसके पितरों के भी सारे संकट दूर होते हैं। तो ये कामिका एकादशी का व्रत का कुछ अलग ही महत्व है। तो फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।